अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एंड अदर गेमिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम दोबारा से पबजी मोबाइल में आ चुके हैं और फिर से मैं ये रही एक और वॉइस ओवर वीडियो। ओके, तो ये पबजी मोबाइल में फिर से इरेंगल खेल रहा था, तो इस बार मैंने डुओ लगाया था। तो डुओ में टर्की का बंदा है, तो टर्की भाई अपनी जान, जब से अर्तुगरुल लगा तो हमने कुछ ज़्यादा ही उनको अपने सरों पर बिठा लिया। ओके, एनीवेज, तो हमने यहाँ पर वो हम फैसला किया था कि हाँ भाई कहाँ जाना है। तो पहले उसने वो मार किया था मिलिट्री बेस, तो मिलिट्री बेस मेरा सही नहीं लगा, तो हम एट दी एंड हम जाएंगे पोचिन की। अब यार यहाँ पे ना स्टार्टिंग में बहुत ही मस्त गेम प्ले होगा, आपको फुल मज़ा आएगा, लेकिन यार एंडिंग में आते 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 ना वही यार प्रो प्लेयर तो मैं अभी बना नहीं हूँ ना, अभी मैं प्रोनेस जा रही है, अभी मैं जा ही रही है, मतलब प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम पोचिन के में उतरने वाले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कसम से इतने बंदे आते हैं आप लोगों की सोचोगे। अब ये क्या हुआ, ये इसके में समझ नहीं आई थी कि यहाँ पे हुआ क्या, पबजी सस्ते नशे कर रही है। चलो कुछ भी, चलो यहाँ पे हमें मिल जाती है स्कॉर्पियो, पता नहीं क्या कहते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो को इतनी अच्छी खासी गन नहीं है, क्योंकि मैं इसे कुछ भी तीर नहीं मार सकता। तो यहाँ पे मैं गन की तलाश में इधर उधर लवारिस फिर रहा हूँ, तो मुझे कोई गन मिल जाए। यहाँ पे अब मैं कोई गन नहीं मिलती, और आसपास से मुझे गोलियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा कि भाई मर गया मैं। लेकिन यहाँ पे ही हमें M16 मिल जाती, जो कि हाँ यार ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। तो यहाँ पे हम M16 पकड़ लेते हैं भाई, चांस कोई अगर आगे हमें रश करने है। तो यहाँ पे जाके हमें मिल जाती है टॉमी, और उसी के साथ ही मुझे एक बंदा भी मिल जाता है जिसको मैं मारना शुरू कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे गायब हो जाता है पता नहीं किस तरह यार मुझे। तो फिर मैं उसको जाके मैं रश करने जा रहा होता हूँ, तो वो मुझे मारना शुरू कर लेता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं मेरे एम को क्या होता है, तो फिर मैं उसको मार देता हूँ बाऊजी। लेकिन यहाँ पे हमारी हेल्थ बहुत लो हो जाती है, तो सबसे पहले हम जाके अपनी हेल्थ को करते हैं, क्योंकि भाई विदाउट हेलमेट विदाउट वेस्ट और आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें एक और बंदा स्पॉट होता है, तो हमने कहा चलो वो हमारा टीममेट कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं अपना किल को मुकम्मल करने, क्योंकि कोई चुरा ना ले हमारी किल। तो यहाँ पर अब मैं अपनी किल को पूरी करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी किल पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे बंदे अभी होते हैं, यहाँ पे मैं AK उठा रहा होता हूँ, तो भाई साहब AK उठाते उठाते ना एक बंदा आ जाता है। लेकिन तो शुक्र है कि उसके पास कोई गन नहीं होती, बेचारा अभी भी आई थिंक उतरा होगा। तो इसको हम बाऊजी मार देते हैं इसको हम। लेकिन सामने से ही हमें कोई रश करता है, तो हम मैं उसको जंप एंड शूट करता हूँ, जंप एंड शूट, तो ये फर्स्ट टाइम एवर काम आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी 3 किल हो जाती है उतरते सीधा ही। तो यहाँ पे आप MK47 वाले बंदा, तो वो मैंने कहा चलो मेरा टीममेट उसको मार देगा, मैं यहाँ पे आराम से लूट कर रहा होता हूँ, तो वो उसको मार देता है। अब यहाँ पे हम लूट सारी मुकम्मल करेंगे, अब सारी यहाँ पे आसपास लूटेंगे, जिसको मैंने मारा था, जिसको मैंने अपने हाथों से मारा था पहले, मैं उसकी जाके सबसे पहले जाके लूट करता हूँ। और इसे हमें या काफ़ी अच्छी खासी बुलेट्स मिल जाती है टॉमी वगैरह गन की। हाँ, अब यहाँ पे हम रिलोड वगैरह मारेंगे, हेल्थ वेल्थ पूरी करेंगे, और फिर हम जाएंगे आगे। यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है आगे, लेकिन यहाँ पे वो ब्लॉक हो जाता है पता नहीं क्यों मेरा, क्योंकि आई थिंक ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे भाई मेरा AK का रिकॉइल पूरे संभलना नहीं चाहिए, तो मैं सीधा टॉमी गन पे स्विच करता हूँ और भाई रश कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा रश थोड़ा सा ठीक नहीं होता एम। अब यहाँ पे मुझे लगा एक बंदा है, इसलिए मैं खुशी खुशी मारता, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे दूसरा बंदा आ गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कभी भी मत सोचना कि बंदा अकेला हो सकता है। अब यहाँ पे वो हमारा किल ले लेता है हमारा टीममेट, हालांकि हमने बहुत ज़्यादा उसको डैमेज दिया था, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, लेने तो उसको किल हमारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बाऊजी 4 किल्स हो जाती हैं। तो अभी मैं जब तक ये रश वश अपना ठीक करना का, तो या हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम सारा लूट वूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं या मुझे पता ही नहीं लगा कि बंदा आया कहाँ से है। मैं यहाँ पे रेड जोन से बचने के लिए आया था, तो यहाँ पे बंदा आ जाता है और हमें धप्पा करता है। लेकिन भाई जी हम तो इसको धप्पा कर लेते हैं उल्टा, इसी के ऊपर इसी का धप्पा हम इसको कर लेते हैं। ओके, ये बहुत ही घटिया जोक था। ओके, तो अब हम यहाँ पे पुचिनकी से दूर जा रहे होते, क्योंकि सारा लूट वूट करके रेड जोन वगैरह ख़त्म हो जाता है, हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, और मैं आपस में बंदों को स्पॉट कर रहा था। लेकिन भाई
यहाँ पे एक गाड़ी हमारे ऊपर रश कर जाती है, तो यहाँ पे आपका भाई ऐसे उन दोनों को मारता है ना। अब देखो एक ही स्कारल के स्प्रे में दोनों को लपका दी, तो अगर आपको इस क्लच में इस आपको क्या कहूँ मैं स्क्वाड डुओ आपको मैंने स्वैप कर दिया पूरे डुओ को ये क्लच में आपको मज़ा आया तो यार लाइक ठोक दो यार जल्दी जल्दी से, सब्सक्राइब ठोक दो अगर आपको ये पसंद आया ये क्लच मेरा। यहाँ पे अब बाकी वगैरह लूट, तो लूट काफ़ी अच्छी खासी हमें मिल जाती है इनसे। तो अब मैं सारी चीज़ें एडजस्ट वगैरह करता हूँ और हम चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे की तरफ अब मुझे यहाँ पे गाड़ी स्पॉट हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास M16 नहीं थी, तो मैं स्कारल से मारने की कोशिश करता हूँ, नाकाम कोशिश जिसको मैं बोलूँगा। तो मैं वहाँ पे मार करता हूँ, तो हमारा टीममेट उसको मारता है लेकिन वो मरता नहीं है। तो अब हम मुझे वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, तो अच्छा मैं यहाँ पे लूट करके आ रहा हूँ, तो मुझे सामने बंदा स्पॉट होता है मैं उसको मार करता हूँ। तो यहाँ पे 40 पे मैं 2x पे स्विच करता हूँ, मैंने कहा पागल। तो अब यहाँ पे वो बंदा आ रहा है, उसको पता ही लगा कि मैं मार कहाँ से रहा हूँ। जितने देर उसको पता लगा हमने बाबूजी उसको मार दिया, तो अब हम उसको लूट करने जा रहे हो, तो मैं भागा भागा जाऊँ, मुझे पता यार ये मेरा टीममेट है ना ये भाई लूट ले लगा सारी, मुझे लूट की ज़रूरत है, तो भाई मैं यहाँ पे जाके लूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी सारी मैं बुलेट्स लेके अच्छी अच्छी चीज़ें लेके मैं साइड में हो जाता हूँ कि भाई अब तू आके जो तूने लूटना है तो वो लूट ले। ओके अब यहाँ पे जो बंदा हमें दिखा था ना मैं उसके तरफ जा रहा होता तो वो मुझे स्पॉट हो जाता, तो वो हमें स्प्रेसर लगा के मार रहा होता है, तो मुझे यहाँ पे लगता नहीं है, तो आई थिंक इसलिए क्योंकि मेरे पास कारल थी मैं उसको सिंगल में मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब भी भाई साहब वो हमें डैमेज पहुँचाना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे मेरे पास लेवल 2 की वेस्ट ना होती ना लेवल 1 की वेस्ट होती तो भाई यहाँ पे मैंने मर जाना था, क्योंकि यहाँ पे लेवल 2 की वेस्ट ने मुझे बचाया है। तो यहाँ पे मैं भागा भागा इस घर के अंदर जा रहा होता हूँ और हम दोनों सक्सेसफुली इस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन आप मेरी हेल्थ देखना भाई साहब, ये देखो मेरी हेल्थ देखो भाई, यहाँ पे पक्का लेवल 2 की वेस्ट ने मुझे बचाया। अब यहाँ पे हम हीलिंग वगैरह करते हैं और मैं उस बंदे को स्पॉट कर रहा होता हूँ, यहाँ पर मुझे स्पॉट नहीं हो मुझे मिलता ही नहीं है, तो भाई जा फैसाबाद में वो हमारे ऊपर गाड़ी लेकर रश कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भाई साहब वो डेड था मुझसे, मैं लिखवा रहा हूँ मुझसे वो डेड था, लेकिन वो ब्लॉक हो गया मुझसे खुला ही नहीं, वो मतलब वो ब्लॉक हो गया था ना दीवार की वजह से, तो इसीलिए वो भाई साहब बच गया था। तो यहाँ पे अब हम मैं एक रैंडमली नेट फेंकता हूँ कि क्या पता लग जाए, लेकिन उसको लगता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो बस यहाँ पे मैं उसको स्पॉट वगैरह कर रहा होता हूँ, क्या करता कि पीछे से कोई बंदा तो नहीं आ गया, क्या पता मैं आगे से मारूँ पीछे से कोई भाई हमारे पिछवाड़े पे ऐसे गोलियां घुसा दे, तो पीछे कोई नहीं था ठीक है। अब यहाँ पे वो भी हमारे ऊपर नेट्स फेंक रहा होता है, लेकिन भाई साहब जैसे ही मुझे आवाज़ आती है ना नेट्स की तो मैं भाई पीछे आ जाता हूँ, ये मैंने सबसे अच्छा किया। और फिर यहाँ पे मैंने अकलमंदी का काम किया, मैं यहाँ से नीचे कूद गया था, ये थे मैं सबसे अकलमंदी वाला काम किया था मैंने कि मैं यहाँ से नीचे कूद गया था मैं। अब यहाँ पे बंदा स्पॉट, अच्छा मुझसे यहाँ पे बंदा स्पॉट ही नहीं होता, वो मेरे टीममेट से बंदा स्पॉट होता था, मैं बार बार चेक कर रहा होता हूँ मुझे भाई वो मिलता ही नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाई लेकिन मुझसे वो स्पॉट नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे वो हमारा टीममेट मारो, मैं चलो मारने थे उसको, लेकिन मैं स्टिल उसको स्पॉट कर रहा होता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि वो बिल्डिंग के ऊपर तो नहीं है, तो मैं बिल्डिंग के ऊपर चेक करता हूँ लेकिन नहीं होता, तो मैं स्पॉट्स कर रहा होता हूँ। तो भाई साहब डैमेज देखो भाई MK14 का, मैं यहाँ पे फिर हीलिंग वगैरह करके फिर हम चलते हैं ऊपर उसको रश करने के लिए, हमने फैसला किया, हमने कहा रश करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रश करेंगे। तो अब हम चलते हैं ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता मैं जा रहा था ऊपर, तो भाई ऊपर वो बैठा होता है भाई साहब हमारे, अब यहाँ पे मैं उसको मारता हूँ लेकिन उसको लगती नहीं है, उल्टा मुझे लग जाती है, तो फिर मैं रश रश कह रहा था तो वो भाई साहब हमारा टीममेट उसको मार देता है। तो भाई काम तमाम, यहाँ पे तो उसका काम तमाम हो गया, शुक्र है भला टली भाई। तो यहाँ पे अब हम लूट वगैरह करते हैं और हीलिंग वगैरह करते हैं और हम अब आगे की तरफ जाते हैं, लूट वूट वगैरह यहाँ पे करेंगे, और इससे मुझे मिल जाती है लेवल 3 की वेस्ट और बुलेट्स, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब भाई साहब हम यहाँ पे मतलब जोन के बीच में थे, तो हमने फैसला किया कि हम इधर ही रुकेंगे, मतलब कैंपिंग करेंगे, कैंपिंग नहीं इधर रुकेंगे, हम इंतज़ार करेंगे लोगों के आने का। तो मैं इधर ही इंतज़ार कर रहा होता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैं बंदों को यहाँ पे स्पॉट कर दूँ, मुझसे स्पॉट नहीं होते बंदे, मुझे एवं ही बंदा स्पॉट कर रहा था मैं, लेकिन मुझे कोई बंदा मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे गोलियों की आवाज़ें आती हैं,
लेकिन भाई हमारा टीममेट मुझे कहता है कि भाई फायरिंग नहीं करनी अभी, उनको अभी लड़ने दो, मरने दो, वो पिटने दो उनको, जब वो लड़के आएंगे फिर हम उनके ऊपर रश कर देंगे। तो ये उसका था आइडिया, आइडिया तो बहुत अच्छा था। लेकिन भाई यहाँ पे मेरी नर्वस जो हो जाता हूँ ना, उसकी वजह से मैं मर जाता हूँ। अब चेक करना यहाँ पे क्या होता है, अब एंडिंग का यहाँ पे अब जोन हमारे ऊपर से हट जाता है। तो मैं उसको इशारा देता हूँ फॉल, वो सेफ जोन चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से जा रहे होते हैं, लेकिन भाई साहब उधर ही उसी वक्त हमारे टीममेट को एक बंदा स्पॉट हो जाता है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो बंदा, लेकिन मुझे बंदा यहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन उसको स्पॉट हो जाता है आई थिंक। हाँ उसको स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंगल करके मारता हूँ उसको, लेकिन उसको एक मिनट लगती। ओ भाई उसको नॉक AWM से कर दिया और उसका पूरा हेलमेट ही उड़ गया। तो मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ, यहाँ पे स्मोक्स ने मुझे फ़ायदा दिया था, लेकिन यार नर्वस जब मैं हो गया तो मैं स्मोक्स का इस्तेमाल करना भूल गया था। मैं मुझे पता था कि अगर मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूँ ना तो भाई आगे एक ही बंदा बचेगा, उसको मैं मार दूंगा इजीली। तो अब यहाँ पे मैं एक स्मोक करता हूँ, ये आई थिंक मेरा वन ऑफ द बेस्ट आइडिया अगर मैं मानूँ, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे डैमेज दे रहे थे, लेकिन जैसे स्मोक हुआ वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो मैं स्मोक के अंदर से गया मैं, ये अब मुझे आगे स्मोक करना चाहिए था, मुझे पता था, लेकिन यार नर्वस हो गया था मैं। फर्स्ट टाइम फ़ोन पे इतनी नर्वस वाली फीलिंग आई थी मुझे, तो मतलब क्या कहूँ मैं, समझ आता है मैं क्या करूँ, पसीने आए थे, तो इसीलिए मैं करना भूल गया था मैं। अब वो एक नेड करते हैं, यहाँ पे मुझे नेड भी इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन यार वही है ना, फर्स्ट टाइम नर्वस। तो यहाँ पे अब वो रश कर रहे थे, तो लेकिन मैं उनको डैमेज देता हूँ, ऐसा नहीं है डैमेज देता, मैं उनको डैमेज देता हूँ। यहाँ पे मैं उससे स्कारल की बुलेट लेता, लेकिन भाई यहाँ पे वो मुझे डैमेज कर देता है। मैं यहाँ पे भाई कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे देखो उसको डैमेज मिलता है, लेकिन यार यहाँ पे ना उसे चकमा दे दिया और यहाँ पे हम मर जाते हैं और थर्ड आ जाते हैं। आई थिंक सही था, आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूव कर लेंगे। ओके तो अब इसीलिए हम लगाते हैं एक TDM बाऊजी, TDM लगाते हैं हम एक इसमें, तो इसमें हमारे पास होती है M416, और अब इसमें हम तबाहियां मचाते हैं। इसके भी एंडिंग की मुझे समझ नहीं है, देखिए इसकी एंडिंग में होता क्या, सब चेक करते रहना। यहाँ पे मुझे राइट साइड पे दो बंदे स्पॉट होते हैं, मैं मारता हूँ लेकिन मरते ही नहीं है, क्या करें अब। ओके यहाँ पे मैं मार रहा होता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मारता हूँ, लेकिन भाई साइड से बंदा आ जाता है, खुद ही साइड से बंदा खुद ही गन्स के अंदर आ जाता। तो मैंने कहा भाई अगर तू आ रहा है तो भाई हम तुम्हें किस तरह रोक सकते। भाई यहाँ पे मेरी हेल्थ तोबा, तो यहाँ पे मैं हीलिंग वगैरह पूरा करके अब हम चलते हैं। फिर मैं सोचा कि जो हीलिंग पूरी कर लूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने उसको इतना डैमेज दिया, मुझे लगा कि नंबर वन उसको फिनिश कर देगा, लेकिन ये पागल का बच्चा है, इसने उसको फिनिश ही नहीं किया, ये आगे वाले को फिनिश कर रहा था। हो यहाँ पे फिर यहाँ पे बंदा मारते हैं हम, वो हमारे टीममेट के अत्याचार कर रहा था। तो हमने कहा भाई साहब बाबूजी ऐसे कैसे हमारे टीममेट्स के ऊपर नो अत्याचार। अब देखो यहाँ पे मैं उसको मार देता हूँ, यहाँ पे मैं उसको इतना लो करता हूँ ना कि भाई एक थप्पड़ लगने की देरी थी उसको, लेकिन भाई साहब उसको मार देता। अब देखो मैंने उसको एक बुलेट मारी और वो बंदा मर जाता है, मैंने कहा था कि एक बुलेट से वो दूरी बता, लेकिन क्या करें अब। अब यहाँ पे नेड से बचने के लिए मैं इधर आता हूँ, तो अब हम उसके उस उनके घर की तरफ जा रहे होते हैं, रश वगैरह कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे ना बंदा होता है, ना बंदे की ज़ात होती है, ना बंदे के होने के कोई निशान होते हैं कि यहाँ पे कभी किसी ज़िंदगी में किसी ज़माने में कोई बंदा था। तो हमें लेफ्ट साइड से आवाज़ें आ रही होती, तो मैं उसकी तरफ जा रहा होता लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे हमें बंदा मिल जाता, तो भाई साहब मार देते हम इसको। अच्छा अब मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे एक और बंदा आ रहा है, तो इसको भी हम वो गोल गोल अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करके इसको भाई मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी हेल्थ दिखाने के लायक नहीं होती, तो इसलिए मैं भागा भागा जाता हूँ। लेकिन उतनी देर में भाई साहब पीछे से बंदा आके लव डॉलर साहब हमें मार देते हैं, सो सैड। अब यहाँ पे बंदा आता है, अच्छा अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है फंडा कि अगर बंदा छुपा हुआ है ना, तो मेरे अगर गन के अंदर मैग भरी हुई तो मैं भाई पूरी लुटा देता हूँ, वो बंदा कभी ना कभी तो आएगा ना गोली के सामने, तो ये मेरा फंडा और ये इजी है आ जाता। अब बाऊ जी ये देखो यहाँ पे मामू जी, यहाँ पे ये मामू लेट के मार रहा था, मतलब लेट के
अब यहाँ पे अब मुझे अपनी समझ नहीं आती, यहाँ पे मैं एक बंदे के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पाता, मैं हजारों बंदों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो, लेकिन यार पता नहीं यार क्या करूँ। अच्छा अब यहाँ पे एक बंदा, उसको भी सिर्फ कवरिंग फायर देने के बावजूद उसको मैं बाबूजी मार देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना ऊपर ना नीचे, दोनों के बिल्कुल बीच में मैं मार रहा था, जरा रिवाइंड करके चेक करो और पाउज करके, दोनों के बीच में मैं मार रहा था, क्या करो। अब यहाँ पे मैं लेट के मारता हूँ क्योंकि लेट के एम बहुत अच्छा आता है, और यहाँ पे बाबूजी दो बंदे मर जाते हैं। अब ये देखो मुझे इसका ये बहुत ही फनी लगा था, ये इसका मरने का स्टाइल, और ये मेरा क्लच मुझे बहुत अच्छा लगा है इस मैच का। बताओ नीचे कमेंट्स में आपको कौन सा क्लच अच्छा लगा है मेरा। ओके यहाँ पे अब ये बंदा आता है, इसको हम इजीली मार देते हैं बाबूजी, अपने तो आपको देखा ही नहीं था। अब यहाँ पे ये क्लच मुझे बहुत अच्छा लगा था अपना, ये मारता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे मैं इतनी लो हेल्थ में इसको मारता हूँ, लेकिन भाई पीछे से बंदा हमें मार देता है भाई साहब, जो पीछे होता है ना वो हमें मार देता है भाई। लेकिन हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेला था हमने। तो अब देखो 29 और 26 और 2/6 की KD चल रही है, और 13 किल्स है मेरी। अब यहाँ पे फिर से मैं वही फंडा इस्तेमाल करता हूँ, पूरी मैप ख़त्म कर लेता हूँ मैं, तो ये आई थिंक सही है, आई डोंट नो। यहाँ पे मैं उसको लूटता हूँ बुलेट्स को, और भाई साहब हम चलते हैं आगे बंदों को मार रहे हैं। अब यहाँ पे एक बंदा बहुत शाना बन रहा होता है, भाग रहा होता है, जैसे ही मेरी मैच ख़त्म होती है ना वो सीधा मुझे मारना शुरू। अब यहाँ पे पता नहीं क्या होता है यार, यहाँ पे वो बंदा मुझे मार देता। अब यहाँ पे नेड से मैं वरी लो हेल्थ हो जाती है, लेकिन फिर मैं पीछे हटने की बजाय मैं आगे की तरफ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आगे की तरफ जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही फिर अपनी स्ट्रेटजी, गोल गोल घूम के मारना। अब देखो यहाँ पे हमारी हालत देखो 37-38, यहाँ पे हम जी सकते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैं समझ नहीं आई क्या हुआ है, आप मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पे लेट के मैं मार रहा था, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे दोनों में मेरा स्कैम हो गए थे। तो या गाइस आज के बाद इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ, और यार आज का मैं यार एम कर रहा हूँ 15 लाइक्स, कर दो यार खुशी मिलेगी। तो या सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ अगर नहीं किया है, ऐसे वीडियो देखने के लिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।